सोनिहाल सात श्री अकाल जकारा श्री वालिदा बोल सच्चे दरबार की जय जयकारा वीर बजरंगे हर हर महादेव गणपति बप्पा मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। सो आज का दिन स्टार्ट हुआ है, आज है डेट क्या है, आज है 25th ऑफ अक्टूबर और आज का दिन शुरू हुआ है मेरा अराउंड 3 बजे। आज मैं जा रहा हूँ HD के ऑफिस और 107 के स्टूडियो जहाँ पर मेरा है इंटरव्यू। सो आज की जर्नी शुरू हुई है मेरे घर से और बड़े दिनों के बाद मैं कोई FM पे इंटरव्यू दे रहा हूँ। नॉर्मली आजकल टेलीफोनिक इंटरव्यू होते हैं तो टेलीफोन पे इंटरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद आपका वो अपना चला देते हैं, ऐसे लगेगा आपको मैं उनके साथ ही बैठा हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा डिफरेंट है और बड़े दिनों के बाद मैं लाइव जा रहा हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी, लेट्स गो, चलते हैं। सो फाइनली मैं पहुंच गया हूं HD के ऑफिस और सिटी में और मेरे साथ है राहुल जी, पीछे खड़े हैं, शीशे में देखेंगे तो मेरे साथ है। और फाइनली मैं बड़े सालों के बाद आया हूं मैं HD में मिलने के लिए। पहले मैं मेरा बड़ा फ्रीक्वेंट था हमारे बड़े भाई हैं रमेश जी, उनके साथ बड़ा अच्छा प्यार था, सोनल जी के साथ बड़ा प्यार था, तो HD के लिए मैंने शोज भी किए, तो पहले खूब आना जाना था, अब काफ़ी कम हो गया था, अब मैंने फिर से शुरू किया, तो देखते हैं अब मैं, मुझे लगता है मैं ज़्यादा हूँ। महाराज की हाल है, मैं बड़े साल तो बाद FM स्टेशन ते आया इंटरव्यू देने और मैं जिम्मेदार वेलकम तक दिलबाग दा दिल भी बाग बाग हो गया। थैंक यू, क्या बात है, क्या बात है। तो परी हाउस बीन दी एक्सपीरियंस है, आज तुम्हें दसता मैंने कि बहुत वधिया रहा। ठीक है, हुण गाने तुसी कड्डी जा रहे हो जी, इंडस्ट्री दे नाल काम करके किवें दा लग रिहा, कितना कितना दे लोकी मिलदे ने। ठीक है, तुसी कह रहे सी कि जिद्दां इंसान सामने है आपां हर एक नाल कोऑपरेट कर लईदा। मैनू इंज लगता कि जिवें तुसी जैवे ते नजरिए नाल सामने वाले होगे तुहानू ओहदे विच कोई दिखना शुरू होएगा। अच्छा, अगर तुसी कमियां लभोगे ते तुहानू कमियां दिखना शुरू हो जाणगियां। हां जी, जे तुसी ओहदी खूबियां देखोगे ते तुहानू सिर्फ खूबियां दिखणगियां। सो मैं उस बंदे दा खूबियां देखदा, ओवरऑल एंगल देखदा कि इहदे विच की खास है, तो मैं जब खास देखदा मैनू बड़ा कुछ खास दिखना शुरू हो जाता है। सो मेरा नजरिया हमेशा शुरू आई रहा और मैनू सारे बड़े वधिया मिले, मेरे वर्गे लोग मिले, सब दे नाल बड़ा मजा आया काम करन दा। अच्छे लोग ने बड़े मारे साडी इंडस्ट्री च, ऐसा नहीं कि बुरे लोग ही ने, बुरे लोग भी होणगे, पर मेरा उहनां नाल कदे रिश्ता नहीं आया, लेकिन जिन्हां नाल भी होया वो सारे बड़े वधिया लोग सी और बड़े प्यार करन वाले लोग सी और उहनां नाल काम करके बड़ा मजा आया। परमात्मा ने देखो सारे गाने बड़े अच्छे बनाए, सो शुक्र है। पंजाबियों नूं लगे बहुत मिहनत हुंदे ने जी लोकां दे मन, ठीक है, पर कहिण नूं मैं भी पंजाबी हां, मैं अमृतसर तों आ, ठीक है। My name is Vishesh Thabra, ठीक है। सो जो मैं पहली बार आया सीगा दिल्ली, मैंने कुछ मुंबई तो लोग मिले थे इतने आए हुए थे, उन्होंने तुम पंजाबी बना जी अरे पक के थे। सो बहुत इमोशंस ने ना पंजाबियों लैके सरदारों लैके, कोई इदा की चीज जो सुन के थोड़ा भी हासा निकल गया यार, यही पूछिए ना मिलते हैं बहुत रहेगा। मैनू मैं बॉम्बे एक फिल्म का मैं गाना गा के आया वहाँ, तो उन्होंने मैंने फोन किया कि हाँ दादा कैसे है, मैं सब बढ़िया आप बताए, तो दादा एक गाना है आपने को गाने का ऐसे करने का ऐसे करने का, हाँ ठीक है चलेगा मैं गाऊंगा, मैं ऐसा कुछ नहीं, मेरे स्केल विकल सेट हुआ जो वाला जो म्यूजिकल स्केल अंदर है वो सब सेट है। दादा एक बात पूछनी थी आपसे, आप पंजाबी गा लोगे ना? मैंने कहा मामा मेरा नाम दिलबाग सिंह है, तू मेरे को पंजाबी गाना गवाना है, तू इसीलिए फोन किया, तू एक सवाल से। फिर मैंने मेरी बड़ी हंसी निकली, मैं कहा भाई साहब मैं पंजाबी में आपको पंजाबी बोल के दिखाता हूँ, पंजाबी बिकॉज जो डायरेक्टर सी वो फोन कॉल के नाल सी स्पीकर फोन पे, तो डायरेक्टर ने ऐसे ही ना पूछा ना पंजाबी आंदी भी पंजाबी से गल कर रही है, ये सारी हिंदी बोल रहा है और वो भी महाराष्ट्रीय स्टाइल बोल रहा है, तो उन्होंने मैंने क्वेश्चन किया, मैं कहा मेरी महाराज मेरी पंजाबी बड़ी वधिया है,
ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਗਾਣਾ ਵਾ ਪੰਜਾਬੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਗਾਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ ਸਾਰੇ ਐਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਚਲੋ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਓ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਕਰੇ ਬੁਰਾ ਕਰ ਦੋ ਦੇਖੋ ਆਪਾ ਜੀ ਆਪ ਉੱਪਰ ਸੇ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੈਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹੋ ਸੋ ਹਾਊ ਮੱਚ ਇਜ਼ ਯੋਰ ਆਊਟਫਿਟ ਵਰਥ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਫਰਮ ਯੋਰ ਸ਼ੀਟਸ ਇਹ ਕੋਈ 13-14,000 ਕੇ ਹੈ ਲੇਬਨ ਕੇ ਸ਼ੀਟਸ ਮੇਰੇ ਪਹਿਨੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਤਨੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ये माइकल क्रॉस की वॉच है ये अराउंड 45,000 की है जो मैंने कनाडा से खरीदी थी इसके बाद ये बेलमन की टी शर्ट है ये मैंने दुबई से खरीदी थी इसकी वैसे तो ये 1.5 लाख के आसपास है लेकिन मैंने सेल में ली है तो सेल में मुझे इस पे 30% डिस्काउंट मिला तो आप हिसाब लगा सकते हैं कितना पैसा मिले चेन भाई चेन ये चेन अकेले अगर चेन की कॉस्ट लगाऊं मैं तो ये है कोई 4 तोला तो आज के पैसे के हिसाब से आप गुना कर लो उसके अंदर ये लॉकेट है इसमें एक अमेरिकन डायमंड लगे हुए हैं ये है 1.5 तोले के अंदर बनी हुई है और इसकी जो डायमंड है मतलब ये अकेला खंडा जो मुझे मैंने जब लिया था तब ये मुझे अराउंड 1.5 लाख का पड़ा था आज इसकी होगी ज़्यादा वैल्यू क्योंकि सोना महंगा हो गया डायमंड भी पता नहीं महंगे हो गए कि नहीं वो भी पता नहीं और ये इतने की है पेंट मैंने पहनी है रेड रैबिट की ये एक इंडियन ब्रांड है बड़ा अच्छा ब्रांड है ये अराउंड 4,000 की जीन है जो मैंने पहनी हुई ये रेयर रेबिट की पैंट है इसमें है कड़ा ये 6 तोले है तो आप इसको गुना कर लो अपने हिसाब से नॉर्मली मैं बहुत डिक्सी में रहा हूँ 17-18 साल का मेरा करियर है और मुझे बहुत मैंने लाउड म्यूजिक में काम किया मैंने गाने बनाए गाने में के लिए स्टूडियो बैठना पड़ता है शोज करने पड़ते हैं शोज गानों में बड़ा लाउड म्यूजिक बज रहा होता है तो मुझे उससे पहले तो मुझे जब तक मुझे समझ नहीं थी तो पता नहीं था मुझे लेकिन पिछले 6-8 साल से ना मुझे मैं अवॉइड करता हूँ कहीं भी जहाँ डिक्चिक हो वहाँ साउंड क्लबिंग करना उससे पहले करता था अब नहीं करता बिल्कुल तो अब जब मैं अपने घर होता हूँ नॉर्मली मैं अपनी गाड़ी में बिल्कुल म्यूजिक नहीं सुनता अच्छा बिल्कुल मेरी गाड़ी में म्यूजिक अलाउड ही नहीं चलाना आंटी अनलेस वो मेरा नया गाना ना हो कि मुझे सुनना है कि उस साउंड कैसा कर रहा है अदरवाइज मैं गाना सुनता नहीं लेकिन जब मैं अपने घर पर होता हूँ तो मुझे जो सुकून देती है वो गुरबाणी देती है मैं आशा की बात सुनता हूँ बड़ा अच्छा और जब भी सब सुनता हूँ लेकिन गानों में जब मैं सुनता हूँ मुझे गाना पसंद है धीरे धीरे तो ये बड़ा गाना मुझे पसंद है एक मुझे गाना पसंद है बहुत ज़्यादा तुम्हें दिल लगी जानी पड़ेगी तो ये बड़ा पसंद है मुझे गाना और एक मुझे गाना धीरे धीरे से मेरी जिंदगी और ऐसे कुछ लव सॉन्ग में बड़े सारे मेरी प्ले लिस्ट में है जो मैं सुनता हूँ मैं गजलें बहुत सुनता हूँ यार नॉर्मली मेरे पर्सनैलिटी को देख के लगेगा पर मैं जगजीत सिंह साहब को बहुत सुनता हूँ और मुझे ऐसी ऐसी गजलें उनकी याद है जो लोगों ने सुनी भी नहीं तो मेरी प्ले लिस्ट बहुत लंबी है तो दो तीन इंटरव्यू करने पड़ेंगे आपको इसके लिए वाह जी